नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। 3 फरवरी से लगेंगी 9वीं से जमा 2 तक ऑफलाइन कक्षाएं, 5 के बाद खुलेंगे कॉलेज। दफ्तरों में फिर से 6 दिन हो पाएगा काम, मंदिरों में लंगर पर रोक कायम, जिम भी खुले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा अब 50,000, बजट सत्र 23 फरवरी से। सरकारी स्कूलों में पहुंची वर्दी की सप्लाई, 5 फरवरी के बाद बंटेगी। किसानों ने मनाया विश्वासघात दिवस, ऊना में दिखा भारी आक्रोश, किसान यूनियन ने घेरी सरकार। पौंटा में मानवता शर्मसार, राजबन के निकट मृत मिला नवजात। प्रदेश में कल से मौसम साफ रहने के आसार, परसों से करवट लेगा अंबर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में स्कूलों को खोलने पर सहमति बन गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस पर सहमति बनी है। अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी भी 3 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी मंगलवार से शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं 3 फरवरी से लगेंगी। कक्षाओं की क्षमता के 50% हिसाब से विद्यार्थी बैठाए जाएंगे। शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के स्कूल आने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। कॉलेजों में 5 फरवरी तक छुट्टियां हैं, तो ऐसे में 5 के बाद कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसके अलावा शीतकालीन स्कूलों में 15 फरवरी तक छुट्टियां हैं, तो 15 के बाद शीतकालीन स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। हिमाचल में कोरोना के कारण दफ्तरों में चल रही 5-डे वीक की व्यवस्था खत्म हो गई है। इसके अलावा कई और फैसले हुए हैं। कोरोना के चलते लागू किए गए 5-डे वीक को सरकार ने खत्म कर दिया है और अब फुल कैपेसिटी के साथ कर्मचारी कार्यालयों में आएंगे। यानी कि अब वर्क फ्रॉम होम नहीं करना पड़ेगा और ऑफिस आकर ही सरकारी काम निपटाने होंगे। दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं पहले की व्यवस्था के तहत वर्क फ्रॉम होम करेंगी। दूसरी ओर आउटडोर में 500 लोगों की क्षमता के साथ और इंडोर में 250 लोगों और 50% क्षमता के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे। प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानें खोलने और बंद करने के समय पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई है। दुकानें पहले की तरह सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होंगी। मंदिरों में लंगर पर रोक रहेगी, सभी जिम और क्लब खुलेंगे। हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए आय सीमा बढ़ा दी है। इसके अलावा बजट सत्र को 23 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया है। जयराम ठाकुर कैबिनेट ने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस सीमा को 35,000 से बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। मंडी के बाली चौकी में बागवानी विकास कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल सरकार का बजट सत्र अगले महीने यानी 23 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो कि मार्च अंत तक चलेगा, क्योंकि विभागों को बजट सत्र में उठाए जाने वाले सवालों के जवाबों की तैयारी करनी होती है, लिहाजा 15 दिन उसके लिए भी चाहिए होते हैं। ऐसे में बजट सत्र को 23 फरवरी से शुरू किया जा रहा है, ताकि विभागीय अधिकारियों को तैयारी के लिए वक्त मिल सके। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क वर्दी का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से निशुल्क वर्दी का इंतजार चल रहा था, अब यह इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में 9 लाख छात्रों को 5 फरवरी से स्कूली वर्दी मिल जाएगी। स्कूलों में इसकी सप्लाई पहुंच गई है। जल्द ही 1ली से 12वीं के बच्चों को यह वर्दी मिल जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी माह सभी बच्चों को वर्दी मिल जाएगी।
प्रदेश में अब रेगुलर कक्षाओं के लिए बच्चे स्कूल आएंगे। ऐसे में बच्चों को स्कूलों में नई वर्दी वितरित कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग को इस बार स्कूलों में 8,05,000 सेट की डिमांड आई है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि बच्चों को स्कूलों में इसी माह वर्दी की सप्लाई पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए सभी डिप्टी डायरेक्टर को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मांगों पर गौर न होने से भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा फिर से सातवें आसमान पर है। इसकी एक वानगी सोमवार को ऊना में दिखी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राज्य अध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी की अगुवाई में किसानों ने आज ऊना मुख्यालय पर राज्य स्तरीय विश्वास घात दिवस मनाया। किसानों ने दिल्ली में किसान आंदोलन की वापसी के समय सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए किए गए वायदों के पूरा न होने पर रोष जताया। किसानों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन पत्र भी भेजा। इस मौके पर किसानों ने यह भी चेतावनी दी कि दिल्ली में इस बार किसान आंदोलन और भी उग्र और व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि कई विषयों पर सहमति के बावजूद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। MSP पर विचार के लिए कमेटी का गठन नहीं किया गया है। बिजली बिल पर भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। अभी तक जो किसानों पे मुकदमे बने थे उनको वापसी का जो वायदा था उस पे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और जो सबसे गंभीर बात है, जो 6 किसानों की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्र टैनी अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, उसका इस्तीफा जो है, इन सब बातों को लेकर किसान कहीं ना कहीं सरकार से दोबारा बहुत नाराज हैं और इसको आज विश्वासघात दिवस के रूप में पूरी जगह मनाया जा रहा है। राज्य स्तर के रूप में हमने इसको आज ऊना का चयन किया था। हाल ही में कांगड़ा के जयसिंहपुर में नवजात लावारिस अवस्था में मिला था। अब ऐसा ही मामला सिरमौर जिला में पेश आया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पांटा साहिब में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। राजवन के समीप सिरमौर के जंगल में एक नवजात बच्चा मृत अवस्था में मिला है। सूचना पर पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी नवजात की मौत स्पॉट पर ही हो गई थी। शव को फोरेंसिक जांच के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सक राजीव चौहान ने बताया कि पुलिस द्वारा एक नवजात शिशु अस्पताल में लाया गया था, जिसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। DSP पांटा साहिब वीर बहादुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कुरवाला के अंतर्गत पुलिस चौकी राजवन से कोई 3 किलोमीटर आगे जो NH है शराई के लिए, तो वहां पे एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है और जिसको स्थानीय जो SHO हैं वहाँ से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल नाहन जो है मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा है और इसमें फर्दर हमने FIR लॉन्च की है, इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम खराब होने जा रहा है। आइए देखते हैं वेदर रिपोर्ट। प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम फिर करवट लेगा और बर्फबारी व बारिश से प्रदेशवासियों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हालांकि मंगलवार को मौसम के साफ रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन बुधवार से मौसम में परिवर्तन होगा। मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जबकि 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान व पड़ोस में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जिससे हिमाचल में इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि 2 व 3 फरवरी को एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब चलते चलते सोलंग नाला की स्की ढलान में अल्पाइन प्रीमियर लीग का आगाज, देश भर से 200 से अधिक प्रतिभागी ले रहे भाग। मशोबरा में भोजनालय की दूसरी मंजिल में लगी आग, दम घुटने से एक की मौत, दरवाजे खिड़कियां राख। हिमाचल में 1 करोड़ लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, 7 फरवरी तक चल रहा अभियान। नौकरी पर नहीं बुलाया तो ठप करेंगे राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, GVK के पूर्व कर्मचारियों ने दी चेतावनी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।